प्रणाम। बहुत बार चर्चा करते हैं पंच महाभूत, समझ में नहीं आता आखिर है क्या। देखिए, पंच तत्वों से मिलकर के संसार के अंदर जो कुछ भी है वो बना है। ये पंच तत्व हैं क्या, इनका सीक्वेंस क्या है। अब इसको हम लोग आकाश अग्नि आयु वायु ऐसे कुछ बोलता रहते हैं, ऐसा नहीं। इसको सीक्वेंस से समझें और सीक्वेंस को इससे अपने शरीर के हिसाब से समझें। ये भाग आपका आकाश हुआ, इसके बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आते हैं तो वहां पर ये वाला हिस्सा आपका आकाश के बाद में वायु आया। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे की आइए, आपके पेट में एसिडिटी इत्यादि होती है, इसको अग्नि बोलते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और नीचे अगर आप आते हैं वहां जल होता है, और जल के बाद में जो आपके पैर इत्यादि होते हैं ये पृथ्वी है। तो इसको आकाश, आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल, और जल के बाद में पृथ्वी। ये आपके शरीर में भी ऊपर से नीचे ऐसे ही विद्यमान है, और प्रकृति में भी इसी प्रकार से विद्यमान है। पंच महाभूतों के अंदर चार महाभूत जो हैं, कौन कौन से, वायु को छोड़ करके बाकी के जो चार महाभूत हैं, ये चारों महाभूत लंगड़े हैं, और वायु ही एकमात्र ऐसा महाभूत है जो इन बाकी के चार महाभूतों को चलाता है। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, जब आपको समुद्र की सतह पर जल है और अगर वायु नहीं चल रही, जल स्थिर हो जाएगा। पृथ्वी है, अगर वायु नहीं चल रही तो चारों तरफ प्रदूषण फैल जाएगा, पृथ्वी स्थिर हो गई। इसके बाद में अग्नि है, बगैर वायु के जल ही नहीं सकती है। तो ये इस तरीके से आप इस चीज को समझिए। आकाश भी है, तो आकाश का के अंदर का जो बादल है वो तभी चल पाएगा जब पवन यानी कि वायु चलेगी। तो पंच महाभूतों के अंदर चार महाभूत लंगड़े हैं, पंगु हैं, और पांचवा महाभूत जो है वायु, वो चलाने वाला होता है। तो वायु के महत्व को समझिए, और उसके साथ साथ में वायु के अंदर भी अलग अलग प्रकार की गैसें हैं। इसमें प्राण वायु ऑक्सीजन हम लोगों की है। ये प्राण वायु ऑक्सीजन ऐसी है कि न केवल प्राणी मात्र के लिए अपितु वनस्पति सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से होता है। तो इस ऑक्सीजन को संभाल करके रखना, प्रकृति ने हमको पांच महाभूत दिए हैं जिससे सारी सृष्टि बनी है, और सबसे अधिक दोहन और सबसे अधिक अत्याचार और सबसे अधिक अपमान अगर हम किसी चीज का करते हैं तो इन्हीं पंच महाभूतों का करते हैं। इन पंच महाभूतों को हम लोगों को फ्री में दिया गया है, ये मुफ्त में हमारे को मिल रहे हैं। आप आकाश के लिए पैसे दे रहे हो, आप जल के लिए पैसे दे रहे हो, आप पृथ्वी के लिए पैसे दे रहे हो, आप वायु नहीं दे रहे हो। तो ये हम लोगों को मुफ्त मिले हैं, इनके लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि जिस चीज़ को खरीदा नहीं गया और जिसके लिए कुछ नहीं दिया उसको आप खराब करते रहिए। हम प्रदूषण करके वायु को खराब कर रहे हैं, प्रदूषण करके जल को खराब कर रहे हैं, अत्यधिक फ्लाइट्स इत्यादि चला करके हम लोग आकाश को खराब कर रहे हैं। महाभूतों को खराब करने का अर्थ समझिए कि आप अपने भविष्य को संकट में डालने की बात कर रहे हो। ये इतने सुंदर पुष्प, ये सुंदर वाटिका, ये सब पंच महाभूतों से ही तो बना है। तो इन महाभूतों का रेस्पेक्ट कीजिए, इनके उनको प्रदूषित मत कीजिए। अत्यधिक प्लास्टिक इत्यादि आपको इधर उधर नहीं बिखेरना है, जल को गंदा नहीं करना है, कम से कम जल का उपयोग करना है। इस प्रकार से आप अपने आप जीवन को जीते हैं तो आप इन पांचों महाभूतों को सुरक्षित रखेंगे। और अगर ये पांचों महाभूत हमारे सुरक्षित रहते हैं तो पृथ्वी का भविष्य और आपकी संतति का भविष्य सुरक्षित है। और इन महाभूतों का अत्यधिक दोहन और इनको खराब करने का मतलब यह है कि हम स्वयं को धीरे 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 प्रलय की तरफ ढकेल रहे हैं। ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।